फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज जो कुछ अजीबोगरीब घटना हुआ है हमारे सोसाइटी के इधर, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से वो शेयर कर लूँ। और घटना भी हुआ है और हमारे साथ भी एक हादसा हो गया है, तो क्या है मैं बताने वाली हूँ आपको इस ब्लॉग में, और शायद आपके काम भी आ जाए, आप भी थोड़ा अलर्ट रहेंगे, ध्यान देंगे चीज़ों पर। एक्चुअली जैसे मेरा जो ड्राई बालकनी है ना, उसके सामने आपने देखा होगा कि ग्राउंड, ये वाली गाड़ी का कांच फोड़ा गया है। और इसका क्या कहानी मैं बतलाती हूँ आप लोगों को, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, तो देखते रहिएगा। ये देखिए पूरा फूट चुका है कांच, देख सकते हैं आप लोग। और ये हमारे सामने में बिल्डिंग है ऐसा, तो ग्राउंड है और वहाँ पे कार लगी थी, तो शायद किसी फ्लोर से ना किसी ने पत्थर फेंका है। और आई गेस या तो फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स होगा, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ सिक्स से ही अगर पत्थर फेंका जाएगा तो वहाँ कार तक हिट करेगा। तो उन लोगों को लगा कि मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब इनमें से ही किसी ने पत्थर फेंका है, पूरा कांच टूट गया है। और काफ़ी लड़ाई चल रही है बाहर सोसाइटी के गेट पे। और एक्चुअली ये बाहर गए थे, तो अभी आए हैं, तो उन्होंने बताया मुझे। और उनका मतलब कोई गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो काफ़ी लड़ाई चल रही है। और साथ में क्या हुआ है कि तो उसी चक्कर में क्या हुआ है, जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ठीक है, वो लोग भी बाहर निकले और हम भी बाहर निकले सब लोग। तो मैं जैसे ही बाहर निकली और बालकनी, ये वाला जो बालकनी है खुला था, ठीक है, और हवा चल रही है, तो क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से दरवाज़ा बंद हो गया, ठीक है। अब दरवाज़ा बंद हो गया तो चाबी अंदर ही है, दरवाज़ा खुलेगा कैसे। तो फिर हमने क्या किया है, नहीं खुलने वाला है, क्योंकि फिर थर्ड फ्लोर पे है ना हम लोग, तो सीढ़ी लगा के भी नहीं हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या किया गया है कि अभी चाबी वाले को बुलाया गया है, चाबी वाले ने पूरा सिक्योरिटी जो पेपर होता है फ्लैट का, लैंडलॉर्ड का, सब कुछ मांगा है। 800 रुपीज़ लगा है लॉक खोलने का, तो फिर वो डुप्लीकेट चाबी बना कर दिया। तो ये सबक मिला है आज कि कभी भी बाहर निकलो तो ध्यान देना है। और ये इधर बालकनी की वजह से ऐसा हमेशा होता है, और हमेशा मेरे ध्यान में होता है कि मैं स्टॉपर लगा दूं, लेकिन मैंने आज नहीं लगाया, मैं ऐसे निकली, बस खट से बंद हो गया, तो ऐसा कुछ हुआ। तो ये है लॉक सिस्टम हमारे गेट का, और ये देखिए ऑटोमेटिक है, ये ओपन होता है और इसका की ऐसे ही लगता है, तो अगर ध्यान नहीं दिया तो ये तुरंत दरवाज़ा बंद हो जाता है अपने आप। और हमारे साथ जो हुआ है वही ऊपर वालों के साथ भी हुआ है। और उस टाइम पे ना ये बड़े गुस्से में थे, तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं शूट किया, नहीं तो डांट वाट पड़ जाता कि क्या ये सब तुम कर रही हो। मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ, और फिर ऊपर वाले जो लोग हैं उनके साथ भी ऐसे हुआ, तो हमारा डोर खुल गया था, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो गया, हमारी बालकनी में चढ़ के फिर वो लोग ऊपर गए और अपने बालकनी से, क्योंकि खुला था ना बालकनी, हम लोग बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे और आंधी तूफान बहुत चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ध्यान देना पड़ता है डोर को। और फिर उन्होंने अपना बालकनी से जंप करके फिर दरवाज़ा खोल लिया, ऐसा हुआ। तो उन लोगों का मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाया, तो खैर यही शेयर करना था आप लोगों से, और आई होप थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो कि ध्यान दीजिएगा कभी भी बाहर, घर के बाहर निकलते और ऐसा वाला लॉक सिस्टम है अगर आपके पास, तो फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब तो बहुत ध्यान देकर निकलते हैं और बंद करते हैं डोर। चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं तक है,
और थोड़ा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।